ओम नमः शिवाय। आइए आज अब मैं आपको आटे से बने हुए काला जामुन बना के दिखाऊंगी, जो कि आपने बाज़ार में तो बहुत सारे चीज़ खाए होंगे। अब काला जामुन हर तरह के वैरायटी में खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बना के जो दिखाने वाली हूँ वो आटे की रहेगी, जिसे आपको बहुत ही खाने में कोई अंतर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये मार्केट जैसी नहीं है, बाज़ार में नहीं है, कुछ अंतर है। और सबसे बड़ी बात है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जो कि आज आजकल बाज़ार में हर तरह से मिलते हैं तो खाने में वो बढ़िया नहीं होते। इसलिए मैं आपको आज आटे से शुद्ध बना के दिखाऊंगी, और आप देखिए किस तरह से इसे तैयार करते हैं, और टेस्ट करके आप लोग देखिएगा, बना के ट्राई करके देखिएगा। तो उसको बनाने के लिए, काला जामुन को बनाने के लिए आज मैं क्या क्या जो सामान लगेंगे वो मैं बताने वाली हूँ। ये 1 किलो दूध है, 1 किलो दूध, और ये आटा, और ये रहा घी जो हमने पिघला के लिए हैं, और ये सोडा, खाने वाला सोडा, और ये चाशनी के लिए हमको करीब 1 कटोरी, 1.5 गिलास पानी में, 1.5 गिलास पानी में 1 कटोरी लगभग चीनी है। गैस पर रख के दूध उबाल लेते हैं सबसे पहले, और इसको उबालने में करीबन आधा पाव भर के करीब हो जाना है। 1 किलो करीब दूध, आधे घंटे में ये खोल कर गर्म हो जाएंगे, गाढ़े हो जाएंगे। जब ये पाव भर के करीब हो जाएंगे तो हम इसको उतार लेंगे और इसमें सारी सामग्री मिलाएंगे। तो अभी हमने गैस पर रख दिया है, और साथ साथ ही हम चीनी के लिए भी, चाशनी के लिए जो बनते हैं उसके लिए 1.5 लीटर पानी और 1 कटोरी चीनी, इसे भी हम चाशनी के लिए उबाल लेते हैं। चाशनी बनाकर इसे भी गैस पे चढ़ा देती हूँ चाशनी के लिए। अब इसे खोल हल्के हल्के चलाते रहेंगे हम लोग, इसे हम चलाते रहेंगे गाढ़े होने तक। करीबन हो एक गाढ़ा होने के लिए करीबन आधा घंटा तो लगेगी ही, तो क्योंकि हमको इसे 250 के करीब आसपास में हो जाए तब इसको गैस बंद करना है। आधा घंटा, पौन घंटा, करीब आधा या पौन घंटा के करीब आसपास ये हो गए हैं, कितने गाढ़े हो गए हैं। 1 किलो मैंने दूध लिया था और ये करीब पावर के करीब हो गए हैं। अब इसमें हम सारी सामग्रियों को इसमें मिला देंगे, तो थोड़ा कम कर लेंगे इसको, गैस को थोड़ा कम करके। उसके बाद अब इसमें डालेंगे, इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा, करीब आधे चम्मच के करीब ये सोडा, और ये 2-3 चम्मच हमने घी डाले हैं, और थोड़ा चलाएंगे। जैसे इसमें इस तरह से उबाल आ जाएंगे, देखिए डालते ही, और अब इसमें हम मिलाएंगे 1 कटोरी आटा, और इसे हम हल्के हाथ से चलाते जाइए, चलाते रहेंगे, और तब तक चलाएंगे जो ये मिक्स टाइप का हो जाए। ये देखिए मिक्स हो गए, सारी चीज़ों को हम लोग को मिक्स करना है इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे से सब मिक्स हो गए हैं, इन सारी चीज़ों को हमने मिलाकर इस तरह से अच्छे से मिला के, मिलाने के बाद इस तरह से हो गए हैं देखिए। और अभी से हम गैस से उतार लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, ताकि ये एकदम गोल गोल, इसके हम लोइया अब तैयार करेंगे। अच्छी तरह से मिलाकर अब इसे लोइया अब हम बनाएंगे। अब इसे हम सारा निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसके हम छोटे छोटे लोई तैयार करेंगे। ये देखिए हल्का 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 गर्म है, हल्का ठंडा होने पे करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं हो, और इसके छोटी छोटी इतने बड़े बड़े लोई तैयार करेंगे इस तरह से। देखिए कितना अच्छा से ये लोई तैयार हो जा रहे हैं। आप चाहे तो इसे हाथ में थोड़ा सा घी लगा कर करिए, लेकिन इसमें ऐसे ही पहले से ही इतने घी डाला हुआ है कि ये अपने आप लोई के लिए बहुत अच्छा है। एक तरफ हमने चाशनी रख दिए हैं उबलने के लिए, दूसरी तरफ इसे मैंने तलूँगी डालकर। देखिए बढ़िया से इससे लोइया बनाइए, ताकि ये फटे नहीं, अगर कहीं से थोड़ा सा भी फटे हुए रहेंगे तो ये अच्छे से रसगुल्ला भी तैयार हो पाएंगे। 1 कटोरी से मैंने 15-20 लोइये तैयार कर ली हैं। अब बिल्कुल देखिए इस साइज़ में, इतने बड़े साइज़ में ये लोइये तैयार हो जाएंगे। अब इसे मैंने गैस पे तलूँगी, गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस पे तलने के लिए इसे रखूँगी। तलने में इसे ब्राउन कलर करके निकालना है, तो आइए दिखाते हैं तल के। अभी कढ़ाई मैंने पहले गैस पे रख चुकी थी और ये हल्का गर्म हो चुके हैं। अब इसे मैं एक एक आटे के बनाए हुए
काला जामुन को धीरे धीरे धीमी आंच पे इसे मैं तलूंगी। ज़्यादा अगर ये गर्म हो जाए तो थोड़ा कम कर लीजिए, नहीं तो ये फट सकते हैं। धीरे धीरे आंच पे इसे तले, और चार पांच डालकर मैंने इसे तलना शुरू कर दिया है। देखिए हल्का हल्का हो रहा है, धीरे धीरे इसको तलिए और हल्के हल्के इसे ब्राउन का आने तक इसे निकालिए। ज़्यादा नहीं, धीमी आंच पे इसे तलना है, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं। ये देखिए हल्का हल्का अब ब्राउन होने पे आया है, और अभी थोड़े देर में मैं थोड़ा और कर लेती हूँ अच्छी से और इसे निकालूंगी। बिल्कुल उसी तरह से लगते हैं जैसे आप मार्केट से लेकर खाते हो। ये देखिए अब ये निकालने के लिए तैयार हो गए हैं कढ़ाई में से, और मैं इसे अब एक एक करके निकालूंगी। ये ब्राउन होने तक निकालना चाहिए, तो मैं इसे अब निकाल रही हूँ। जो उस समय मैंने 5-6 रसगुल्ले डाले थे, और अब लगभग चाशनी भी होने पे ही है। मैं चाशनी का भी अभी सारे रसगुल्लों को चाशनी में भिगोंगी। चाशनी भी रेडी हो चुके हैं, और इसी तरह से कर कर के एक एक कर कर मैं फिर, और अब मैं चाशनी रेडी हो गया है। अब चाशनी में सारे रसगुल्लों को इस तरह से निकाल कर डालूंगी। पहले मैं निकाल लिया, देखिए इस तरह से बिल्कुल इस तरह से निकालना है जब ये उसी तरह से रेडी हो जाए। अब ये आखिरी है, मैंने गैस बंद कर दिया है, और ये देखिए मैंने सारे रसगुल्ले इस तरह से निकाल लिए हैं, और अब इसमें चाशनी में लगाऊंगी। चाशनी लगाने के लिए चाशनी भी रेडी हो चुके हैं, करीब चाशनी भी अब रेडी हो चुके हैं, और मैं सारे रसगुल्ले मैं इसमें एक एक कर मिला लेती हूँ। इसे गैस बंद करके अभी उतार लेती हूँ। आप इसमें, मैंने इसमें इलायची के पाउडर भी मिला रखा है, आप इसमें डाल लीजिएगा, मैं बोलना भूल गई थी। तो अब मैं गैस बंद करके इसमें सारे रसगुल्ले मिलाने के लिए इसे उतार लेती हूँ। रसगुल्ला मैं इसमें करके डाल लिया है, और इससे ऊपर मैं चाशनी में इसे सबको डुबो देती हूँ। 15-20 मिनट तक इसको ऐसे ही रखेंगे, और उसके बाद ये सारे एकदम बाजार जैसे रेसिपी हो जाएंगे। ये देखिए मैंने आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था, और ये परफेक्ट एकदम बने हैं। इसे मैं काट के दिखाती हूँ। बिल्कुल ही स्वादिष्ट और नरम गरम रसगुल्ले हैं। ये देखिए कितना अच्छा वेस्ट कटा है। आप इसे आप टेस्ट करके आप देख सकते हैं अपने घर में बनाकर, और सब में शेयर करें। और देखिए रेसिपी बिल्कुल बाहर के जैसा ही है, मार्केट में बिल्कुल ही अंतर नहीं लगेगा कि आटे से बने हुए हैं। आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ मिलके खाइए। जय जय बम बम भोले।